भाइयों और बहनों, बीते महीनों के दौरान यहां की सरकार ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके जीवन को आसान बनाने का लगातार प्रयास किया है। गरीबों का राशन हो, जमीन का मामला हो या फिर दूसरी सेवाएं, बाकी देश की तरह इंटरनेट से जनता को सुविधाएं देने का काम तेज गति से चल रहा है। इस डिजिटल अभियान से बिचौलियों पर बराबर की लगाम लग गई है और मुझे बताया गया कि हमारे त्रिपुरा में 62,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था जो लोग थे ही नहीं, सिर्फ कागज पर ही पैदा हुए, कागज पर ही बड़े हुए और कागज पर ही रुपये लेते गए। ये फर्जी लोग आपका पैसा लूटकर किसकी तिजोरी भर रहे थे, ये आप भली भांति जानते हैं। साथियों, इस तरह बीते 4.5 वर्षों से देश भर में ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले 8 करोड़ फर्जी लाभार्थियों को सिस्टम से हमने बाहर कर दिया है। ये वो लोग थे जो दूसरे गरीब का राशन खा जाते थे, पेंशन खा जाते थे, स्कॉलरशिप हड़प जाते थे। ये पूरी व्यवस्था किसने बनाई? आप मुझे बताइए कि बिचौलियों और दलालों की ये पूरी व्यवस्था किसने तैयार की? जरा जोर से बताइए, कौन लोग हैं जिम्मेवार, किसने बर्बादी की? साथियों, दिल्ली में जिनकी 55 सालों तक सरकार थी और यहां जिनकी 2 दशक तक सरकार रही, असल में इन्हीं दोनों साथियों की जुगलबंदी ने ये पाप किया था, ये कमाल किया। गुंडों और भ्रष्टाचारियों, बिचौलियों की महामिलावट के इन साथियों का एक कमाल था जिसने त्रिपुरा और देश के गरीब मध्यम वर्ग के हक पर डाका डाला।